हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशास टेस्टिवल। तो आज हम देखेंगे हुडा की रेसिपी। महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा फेमस है और स्पेशली सर्दियों के मौसम में ही हमें हुडा खाने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया दिखता भी है और खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट है फ्रेंड्स। और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से आज बनाने वाले हैं। क्या होता है कि अक्सर हम गांव से बाहर रहते हैं तो हमें हुडा गांव में जाने के बाद ही खाने को मिलता है। तो आज आप इस तरीके से हुडा की रेसिपी देखेंगे कि आप कहाँ भी रहते होंगे, शहर में या स्टेट के बाहर भी रहते हैं, तो आपको अपने घर में इस तरीके का हुडा आप बना सकेंगे। तो हम पहले से देखते आ रहे कि हुडा स्पेशली एक स्पेशल तरीके से बनता है, या आप इसे चूल्हे में भी बना सकते हैं, बट आज हम गैस पर इसे देखने वाले हैं, गैस पर किस तरीके से ये बनता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, सच बात तो यही है कि मुझे पता नहीं कि इसे हुडा को हिंदी में क्या कहते हैं, और इसलिए मैं मराठी ही इसका नेम ले रही हूँ। तो इसे हम मराठी में ज्वारीची कंस ऐसे भी कहते हैं। जवार पकने के पहले की जो स्टेज होती है, उस स्टेज में जब ये जवार आती है तभी हम इस तरीके से इसे तोड़कर लेकर आते हैं। तो गैस के ऊपर मैंने इस तरीके का एक स्टैंड रखा है और इसी के ऊपर हम ज्वारी चिकन से रखने वाले हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि गैस स्लो फ्लेम पे रखना है, और स्लो फ्लेम पे ही हम इसे रखेंगे। फिर इसके ऊपर जो जवार के जो कंसे हमने लेकर आए हैं वो रखेंगे, और स्लो गैस के फ्लेम पे ही हमें इसे रोस्ट करना है। आप ध्यान रखिए कि ये जलने नहीं चाहिए, इसलिए बार बार हम इसे रोटेट करेंगे और फिर पूरी तरीके से सभी तरफ से ये अच्छी तरीके से ये पकने चाहिए। आप इसे बार बार रोटेट करते रहिए। तो आप देख सकते हैं मैं बार बार इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ, और यहाँ घर में बहुत ही बढ़िया खुशबू फैल रही है फ्रेंड्स। और ये मेरा बहुत ही पसंदीदा हुडा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बचपन से सर्दियों के मौसम तक वेट करती हूँ कि कब मुझे हुडा खाने को मिलेगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम इसे खा नहीं सकते हर साल। तो इस तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने इसे 16 साल पहले खाया था और उसके बाद अभी मैं इसे खा रही हूँ। तो हम अभी महाराष्ट्र गए थे तभी मैं इसे लेकर आई हूँ। तो वहाँ खाने के लिए उतना टाइम नहीं था हमारे पास, सो इसलिए मैं इसे वहाँ से खेत से तोड़कर लेकर आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं गैस पर ही इसे पकाकर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये चूल्हे पर बनाना आता है, पहले से हमारे घर में ये बनता था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बन रहा है। तो अभी ये बन चुका है, हम गैस को बंद कर देते हैं और तुरंत ही हम इससे हुडा निकालेंगे। तो इसके लिए हमें एक ग्लास लेना है और इसी तरीके से हम इसे प्रेस करेंगे। तो आप चाहे तो चकले के ऊपर रख के भी कर सकते हैं, नहीं तो हाथों से भी कर सकते हैं। ये हाथों से करना यही है मेथड पहले से। तो फ्रेंड्स, ये गर्म होता है तभी इसमें से जो जवार के दाने हैं वो निकलते हैं। ये ठंडा हुआ तो इसमें से जवार नहीं निकलती, इसलिए गर्म होता है तभी आपको फटाफट से इसे निकालना है। ये देखिए, बनने के बाद हम इसे इस तरीके से क्लीन करेंगे, और मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। परफेक्ट है, चूल्हे में जिस तरीके का हुडा बनता है उस तरीके का बन चुका है, बहुत ही बढ़िया बना है, इसकी टेस्ट भी बढ़िया है। तो आप शहर के बाहर रहते हैं तो कभी कभार गांव जाने के बाद, या आपके वहाँ मिलता है मार्केट में तो आपके घर में चूल्हा नहीं है, इसलिए आप सोचेंगे कि या इसे लेके जाके क्या करना, हमारे घर में तो चूल्हा नहीं है। बट आप इसे लेकर इस तरीके से गैस पर भी बना सकते हैं। पहले मैंने इसे बनाकर देखा तो ये बहुत ही बढ़िया बना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिले इससे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का वीडियो आज तक यूट्यूब में किसी ने भी नहीं अपलोड किया, मैं पहली बार आपको दिखा रही हूँ। कि गैस पर हुडा किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप इस तरीके से हुडा बनाकर देखिए।
और आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। इससे बहुत ही अलग अलग तरीके के डिश आप बना सकते हैं। तो अच्छी तरीके से हुड़ा रोस्ट होने के बाद ही देखिए इस तरीके से इसके जो जवार के जो दाने होते हैं वो निकल आते हैं। अगर अच्छी तरीके से रोस्ट नहीं हुआ तो ये नहीं निकलते। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है, तो इसलिए ये फटाफट से निकल रहे हैं। और जब आप इस तरीके का हुड़ा खाएंगे उसके साथ मूंगफली की चटनी भी खाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे क्लीन करके लिया है, ये बहुत ही बढ़िया बना है, परफेक्ट जो चूल्हे में बनता है उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। आप इसे ज़रूर ज़रूर बनाकर देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसी तरीके की नई नई एक्सपेरिमेंट मैं आगे करती रहूँगी। बचपन में मेरे पिताजी हम सब के लिए इस तरीके का हुड़ा बनाते थे। हम सबको वो संडे के दिन में खेत में लेकर जाते थे और हाथों से इस तरीके से बनाकर देते थे। क्या भी वो दिन थे, बचपन की यादें निराली होती है। आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो पहले सब कुछ ओरिजिनल मिलता था, लेकिन अब सब कुछ आर्टिफिशियल बन चुका है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा टेस्टी वर्ल्ड।